गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेसन एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है। और जैसा मैंने बोला था आपको, हेलो एल्केन हेलोजन अगर आपका क्लियर है तो ये चैप्टर जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन, मतलब आपका ऑर्गेनिक का रिवीजन है और कुछ नहीं है चैप्टर। क्योंकि अगर हेलो एल्केन हेलोजन आपका क्लियर है तो अब रिवीजन है ऑर्गेनिक में, आपको मजा आएगा बिल्कुल। अब ज़्यादा मजा आने लगेगा ऑर्गेनिक में। जैसे देखिए, एल्कोहल जनरली हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं विच कैरी OH फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दे आर जनरली कॉल्ड एल्कोहल। क्लासिफिकेशन जनरल है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ OH के बेस पर है। अगर वन OH ग्रुप अटैच है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर तो हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। अगर टू OH ग्रुप अटैच है तो हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक। थ्री OH ग्रुप अटैच है तो हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। अब जरूरी नहीं है कि ये टू OH ग्रुप आसपास वाले कार्बन पर हो सकता है ये दोनों OH ग्रुप सेम कार्बन पर अटैच हो, है ना? क्लियर है? तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एल्कोहल का, वो नंबर ऑफ OH के बेस पर है। अगर वन OH है तो मोनोहाइड्रिक, टू OH है तो डाईहाइड्रिक, थ्री OH है तो ट्राईहाइड्रिक, है ना? कोई पूछेगा नहीं, वैसे ही है। मेन चीज ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर आपका OH अटैच है, मतलब आपका OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, सेम टू सेम पढ़ा आपने एलोएल के एलोगिन में, तो उसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। जैसे 1 डिग्री, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जो ओनली वन कार्बन और से अटैच हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। और कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। OH अगर ऐसे कार्बन से अटैच हो जो टू अदर कार्बन से अटैच हो तो क्या बोलोगे? 2 डिग्री। कई लोगों को 2 डिग्री प्रोपाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल बनाने में दिक्कत आती है। 3 डिग्री फिर समझ लो, एक बार IUPAC में रोल प्ले करेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या करना है? आपको फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर पर अटैच करना है। 2 डिग्री में क्या करना है? कार्बन चेन स्ट्रेट रखनी है और फंक्शनल ग्रुप को कहीं भी अटैच कर दीजिए। यहाँ अटैच करोगे तो 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री की स्ट्रक्चर क्या होती है? आपके पास कम से कम एक ऐसा कार्बन हो जिससे 3 कार्बन अटैच हो और उससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। ये 3 डिग्री है। तो अगर मैं इसको बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है। मुझे बनाना है 3 डिग्री पेंटाइल तो 1 कार्बन और लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 3 डिग्री पेंटाइल। तो डिग्रीज के बेस पर 3 कैटेगरी के आपके एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ है, आगे देखते हैं। ये देखिए बेटा आगे, और ये पढ़ा था आपने एलिलिक हैलाइड, यहाँ भी सेम है एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक किसको बोलते हैं? अगर आपका OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। सब कुछ सेम चलेगा, रिएक्शंस चेंज होंगी थोड़ी बहुत, वो भी देखिए। तो एलिलिक एल्कोहल है। अब इसकी एग्जाम्पल्स देखिए आप, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये एलिलिक है जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम बेंजिलिक एल्कोहल, कॉमन नेम है ना, बेंजिलिक एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल। अगर मुझे IUPAC नेम देना है इसको तो ये ले लिया मैंने, है ना? अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। अब सुन लो मेरी बात, अब ये रॉन्ग है जो मैंने कहा है। अब रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मैंने क्या लिया, 1, 2 और 3 कार्बन, जबकि होगा क्या, ये आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इमेजिन करनी है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये 1, 2, 3 और ये 4, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। सो नंबरिंग हमने कराया यहां से 1, 2, 3, 4। हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, तो आपको नंबरिंग हमेशा वहां से करनी है जहां से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप पास में है। डेट्स ऑल। क्या बनेगा IUPAC नेम? मिथाइल है तो क्या लिख दोगे? 2-methyl। अब OH और डबल बॉन्ड दोनों फंक्शनल ग्रुप है ना,
कितने कार्बन है फोर, तो आप लिखोगे ब्यूट, थ्री पर कौन है आपका डबल बॉन्ड, थ्री ईन और टू ओल। इस तरह के आईपीएससी आपसे बोर्ड में ज्यादा पूछेगा। अब जैसे यहां देखिए, यह सिंपल है, ये देखिए इसको, इसको बेंजिलिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं, यहां बोले इसको 1-phenyl-methanol या फिनाइल मीथेनॉल भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो यहां तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसके पास, बेंजिलिक एल्कोहल बोल दो, फिनाइल मीथेनॉल बोल दो, ओके। आगे देखिए, इसको देखिए, यहां अगेन कार्बन चेन 1, 2, 3, तो क्या लिखोगे 2-phenyl-propane-2-ol, 2-phenyl-propane-2-ol, फिनाइल क्यों बोला मैंने, बिकॉज आपका OH कार्बन चेन से अटैच है, सही है। तो ये थे आपके एलिलिक एल्कोहल। नेक्स्ट कैटेगरी देखो कंपाउंड की, अगर आपका OH डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, विनाइल एल्कोहल एंड एरिल एल्कोहल, सेम पढ़ा था आपने हेलोएल्केन हेलोजन में, बोलो क्या चीज डिफरेंट है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, बिल्कुल सेम टू सेम, कहीं भी अप एंड डाउन नहीं, 1% अप एंड डाउन नहीं है, सेम टू सेम है। तो जो आपने हेलोएल्केन में पढ़ा वही चीज यहाँ है। अब जैसे कि एरिल एल्कोहल क्यों बोला आपने, कोई डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है, तो कॉमन नेम इज एरिल एल्कोहल, सही है। आईयूपीएसी नेम फिनॉल हो सकता है या बेंजीन वन ऑल हो सकता है, बेंजीन ऑल नहीं देगा कभी भी, सुन लो, आईयूपीएसी नेम तो बेंजीन वन ऑल है बट नहीं देगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इसका आईयूपीएसी नेम है फिनॉल। तो फिनॉल एरिल एल्कोहल या बेंजीन वन ऑल, इसका नेम क्या बोलोगे आईयूपीएसी नंबरिंग करने, 1 और 2, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ईथ ईन वन ऑल, ईथ वन ईन वन ऑल, ओके। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये देखिए बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कुछ एग्जांपल्स करते हैं एल्कोहल के, है ना। हेलोएल्केन हेलोजन में आपने बहुत डिटेल में पढ़ी आईयूपीएसी, सिंपल ही है। देखिए नंबर वन देखिए आप, ये हॉट्स की कैटेगरी में है, मेरे अकॉर्डिंग हॉट्स की कैटेगरी में, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन आ रहे नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो OH जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी नंबरिंग यहाँ से भी 3 होती है और यहाँ से भी 3 होती है, तो करोगे कहाँ से भाई। दोनों केस में आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप OH है उसकी जो लोकेशन है वो थर्ड नंबर पर आती है, तो क्वेश्चन क्या आता है, हम करेंगे नंबरिंग यहाँ से, क्यों, अगर आप यहाँ से करोगे तो 1, 2, 3, 4, तो 3+4 क्या हो जाएगा 7, समझू, अगर आप यहाँ से करोगे 1, 2, 3 तो 1+3 क्या हो जाएगा 4, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5, सही। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये, आपको दिख ही रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका OH, ये सबसे डरी है, प्रीफिक्स कोई भी नहीं है, तो कार्बन कितने हैं 5, तो आपके लिखोगे पेंट 1-ene और 3-ol, तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, पेंट 1-ene-3-ol। ये जो एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ ये सारे बोर्ड में आए हुए एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत सिंपल वाले नहीं ले रहा हूँ आपको, मैं बोलूँ अभी आपको कि बेटा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आप बोलोगे सर इथेन वन ऑल, तो उसमें टाइम पास करना है, वो टाइम पास नहीं करना है खड़े होकर, है ना। तो ये बोर्ड में आया हुआ है। अब जैसे ये देखिए आप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाए हैं टाइम बचाने के लिए, हाइड्रोजन आप लगा लेना। अब देखिए नंबरिंग, यहाँ से भी थर्ड लोकेशन है, यहाँ से भी थर्ड लोकेशन है, कहीं से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये जो ग्रुप अटैच है सी सिग्नल बॉन्ड सी, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है आपका इथाइल, ये जो है आपका, ये है आपका इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन है ना, ओके। तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा इसका, 3-ethyl और थर्ड नंबर पर ही कौन है OH,
पहले थ्री थाइल, 1 2 3 4 5 6 थ्री थाइल हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है और थ्री ओल, थ्री इथाइल हेक्सेन थ्री ओल. तो दिस वन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस एल्कोहल. तो ये आपका आईयूपीएसी नेम. अब जैसे देखिए यहां आइए आप, नंबरिंग कहां से करोगे? OH है, यहां से नंबरिंग करोगे. लोकेशन वन पर है तो आप क्या करोगे? वन. यस, ये बोर्ड में आया हुआ एग्जांपल है, ये बोर्ड में आया हुआ है, कंफर्म है ये तो मुझे, ये तो मुझे उधर ही याद है, ये बोर्ड का एग्जांपल है और ये बोर्ड में आया हुआ, ये तो रिसेंटली आया वाला एग्जांपल, ये 16 से लेकर 19 के बीच का है, मुझे ये याद नहीं है बेटा, ये बोर्ड का एग्जाम्पल है. क्यों बोर्ड का बताऊंगा वो भी. 1 2 3 और ये 4, ये मिथाइल है एम, ये ब्रोमो है बी. तो कौन पे लाता है? ब्रोमो. तो आप क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल. कितना कार्बन है? 4. क्या लिख दोगे? ब्यूट, डबल बॉन्ड आएगा, 2 ईन 1 ओल. तो आईपीएसी क्या बन जाएगा इसका? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ईन 1 ओल. अब ये देखिए आप, यहां इस आईपीएसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं. अब क्या गड़बड़ करते हैं वो देखो आप, क्या गड़बड़ हो सकती है? हटाता हूं यहां से इसको कचरे को. देखिए अब आपसे देखने बड़ा सिंपल लगेगा, आप बोलोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, बच्चे मिस्टेक करते हैं ये 1 2 3 4 1 2 3 4. कई बच्चे ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, ये रॉन्ग है. क्यों? उसने C2H5 कंप्रेस फॉर्म में लिखा हुआ है. करना क्या है आपको? आपको सबसे पहले जो C2H5 लिखा हुआ है इसको ओपन करना है, ये जो लिखा हुआ है. तो C2H5 को आप कैसे लिख सकते हो? CH2 CH3. अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ओके, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहां से पास, 1 2 3 4 5. ये फिनाइल और ये मिथाइल, फिनाइल का P, मिथाइल का M. कौन आता है? M पहले आता है. तो आप क्या लिखोगे? 3 मिथाइल 3 फिनाइल. कितने कार्बन है? 5 है. पेंटेन 2 ओल. किसी को पेट में पेन तो नहीं है कि मैंने फिनाइल क्यों लिया? फिनाइल इसलिए लिया है बिकॉज OH आपका कार्बन चेन पर अटैच है. तो ये आईयूपीएसी आपके अल्कोहल की कुछ मेन मेन मैंने बताया है ना. आगे देखिए, देखिए बेटा कुछ और एग्जांपल्स देखिए आईयूपीएसी के. ईथर वाले, ये ईथर की आईयूपीएसी है, सही है? अब ईथर में, ईथर का सिंबल होता है ROR. ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन के आइदर साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये रिप्रेजेंट करता है ईथर को. अब इसमें आईयूपीएसी का नाम होता है, जब आप आईयूपीएसी लिखोगे तो इसकी आईयूपीएसी का जो जनरल फॉर्म है वो है एल्कोक्सी एल्केन. ये इसकी आईयूपीएसी एल्कोक्सी एल्केन. अब जो एल्कोक्सी वर्ड है वो एल्कोक्सी वर्ड आता है स्मॉल आर के साथ. जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उस छोटे एल्काइल ग्रुप को आपको बोलना है एल्कोक्सी. जैसे यहां देखिए ओ के पास क्या है? ओनली सिंगल कार्बन है. तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी. और नंबरिंग यहां से करोगे 1 और 2, सही है? तो मिथॉक्सी इथेन आपको बोलना है. तो चाहो तो 1-methoxyethane लिख सकते हो, बट 1 की जरूरत है नहीं वहां, क्योंकि 1 ही होगा, यहां होगा तो भी 1 होगा, यहां होगा तो भी 1 होगा. तो मिथॉक्सी इथेन, सही है? तो ये आपका आईयूपीएसी नंबर 1 ईथर का. तो ये हटाता हूं है ना, तो स्पेस बनाते हैं. नंबर 2 देखिए, नंबर 2 मिथॉक्सी, क्या लिखोगे? मिथॉक्सी बेंजीन. इसका कॉमन नेम भी है, इसकी रिएक्शन से आपके सिलेबस में एनिसो. कॉमन नेम ध्यान रखना माय डियर,
कॉमन नेम पूछता है ट्वेल्थ में, हाउ वुड यू प्रिपेयर एनिसोल फ्रॉम दिस केमिकल। अब जब एनिसोल का फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो कैसे करोगे रिएक्शन। तो एनिसोल, टोलुइन, फिनॉल, एनिलीन, एसिटोफिनॉल, इसके फॉर्मूले ध्यान रखना है, कॉमन नेम इस सारे के साथ है ना। अब जैसे यहां देखिए, इसको देखिए, ये लिखा मैंने। अब कार्बन चेन देखो, यहां यहां ओनली 6 कार्बन है बेंजीन रिंग पर, तो आपका जो मेन कार्बन चेन है वो ये होगी, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन 6, यहां 7 कार्बन है। तो CH2 होल 6 का मतलब क्या है, ये है इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6, ये है मैंने इसका मतलब, ये है इसका एक्सपेंड फॉर्म नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या लिख लोगे, 1 फिनॉक्सी हेक्सेन। क्यों बोला हमने फिनॉक्सी हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, सही है। तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हेप्टेन में ज्यादा है, सही। तो ये तो है बहुत सिंपल से जनरल से आईयूपीएसी, तो आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता कहीं किसी को दिक्कत होने वाली है। दिक्कत देगा आपको आपका जो एल्कॉक्सी होता है, एल्कॉक्सी इज ऑलवेज प्रीफिक्स, याद कर लो। मैंने जो ट्रैक एंड टिप्स वाला वीडियो बताया है उसमें आपको बताएं ये प्रीफिक्स होते हैं, ये सफिक्स होते हैं। तो ईथर भी अपने आप में क्या प्रीफिक्स है, इसलिए ईथर के नाम हमेशा पहले आता है एल्कॉक्सी एल्केन, इसलिए पहले आ रहा है नेम एल्कॉक्सी। अब जैसे यहाँ देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपने लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लिया आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसको मत लेना चेन में। नंबरिंग OH यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है मिथॉक्सी है, प्रीफिक्स है, ओके। तो आप क्या लिखोगे, 4 मिथॉक्सी कार्बन 5 है, एंड अब डबल बॉन्ड लिखोगे 1-ene 2-ol। कई बार क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि हमने ईन को पहले क्यों लिया, ओल को बाद में क्यों लिखा, बिकॉज OH की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है। तो आपका OH क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इसलिए OH का नाम सबसे एंड में आएगा। जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम हमेशा हम एंड में मेंशन करते हैं। अब जैसे देखिए एक और IUPAC, ये देखिए, ये सिंपल है, ये कार्बन चेन 1, 2, 3, क्या लिख दोगे, 2 मिथॉक्सी 3 कार्बन है प्रोपेन, सही है। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आगे देखिए, ये बोर्ड में आया हुआ है, ये बोर्ड का एग्जांपल है आइडिया, देखिए इसको, ये बेंजीन रिंग नहीं है। और जब आया था कई बच्चों ने बेंजीन रिंग लिखा था जल्दबाजी में, पता था अभी भी गलत करा उन लोगों ने। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड है यहाँ से नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग में 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये क्लियर। सम रूल भी देख लेना, डबल बॉन्ड है यहाँ से। अब देखिए मिथाइल का M और इथॉक्सी का E, ये पहले आते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3-ethoxy, सही है, 3-ethoxy 1,2-dimethyl, आएगा नहीं वैसे इतना टॉप, 1,2-dimethyl साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स ही नहीं है, डबल बॉन्ड कहां पर है, नंबर 1 और नंबर 5 पर, साइक्लोहेक्स 1,5-diene, सही है। तो आप क्या बोलोगे, 3-ethoxy 1,2-dimethyl साइक्लोहेक्स 1,5-diene, गॉट इट।
तो ये था आपका IUPAC नॉमिन नेचर, गॉट इट। एक बार सम रूल चेक कर लेना, अगर यहाँ से नंबरिंग करना है तो फिर सम आगे पीछे तो नहीं होना है ना। तो ये था आपका एल्कोहल और ईथर का IUPAC नॉमिन नेचर, क्लियर है। ध्यान रखना इसके आगे कुछ ज़्यादा कुछ आता है नहीं है। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब आपके एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, है ना। सुनो ध्यान से, जैसे एल्कोहल लिया आपने CH3OH, मैंने एक एग्जांपल लिया है एल्कोहल का CH3OH, CH3O और H, OH बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं इसका। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है एंड बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री है, गॉट इट। डेटा सुन लो पहले मेरी बात ध्यान से, है ना, क्वेश्चन करेंगे बाद में। 142 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री। इफ वी कंपेयर विथ फिनॉल, तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। ईथर की बात करें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अलग है और बॉन्ड एंगल्स भी अलग हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपको, आपसे पूछेगा कि तीनों के पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, सही है, COCO बॉन्ड है, यहाँ भी CO बॉन्ड है, यहाँ CO बॉन्ड है और ये CO बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों होती है और बॉन्ड एंगल अलग क्यों होता है, तो यहाँ क्वेश्चन है ना। और यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट रीजनिंग लेवल की ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन आता है। अब देखिए देखिए, मैं बोलता हूँ आपसे, सबसे पहले फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। फिनॉल की कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इन दोनों से कम क्यों है। इसकी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है, इसकी 141 पिकोमीटर है, बट इसकी 136 पिकोमीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, फिनॉल, इन द फिनॉल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन एल्कोहल एंड ईथर, तो रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सेम रिपीट हो गया, देखो एलो एल्केन में तो पढ़ा था आपने, रेजोनेंस की वजह से फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है एंड वी नो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से छोटा होता है। ये क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है, पूछ रहे भाई इनका ज्यादा क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज इन एल्कोहल एंड ईथर देयर इज नो रेजोनेंस प्रेजेंट, रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है। एंड सेकेंड वन, ऑक्सीजन के लॉन पेयर एंड कार्बन CH3 शो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, गॉट इट। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रेजोनेंस नहीं होता है। अगर आपको बोर्ड में लिखना ही पड़ता है तो बोर्ड में सबसे प्रायोरिटी से वो लिखना, इन एल्कोहल एंड ईथर नो रेजोनेंस प्रेजेंट ड्यू टू विच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नॉट अराइज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड आपसे पूछेगा और पूछेगा, पूछना ही है उसको, NCERT में भी है, ईथर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा क्यों है। देखो इसका बॉन्ड एंगल 108.9, इसका 109, इसका 111.7 डिग्री, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ईथर का ही क्यों है, क्यों है भाई। आपको बताया था मैंने, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDZ, EDZ को हम कई बार बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, सही है, क्लास 11 में पढ़ाया हुआ है मैंने। EDZ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। दीज इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप कॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बॉन्ड एंगल बिकम लार्ज, सही है। तो आप क्या बोलोगे, इन ईथर टू एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट विच आर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दीज ग्रुप शो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू दिस रीजन द बॉन्ड एंगल इन ईथर इज लार्जर, गॉट इट। क्वेश्चन आ जाता है,
एल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम क्यों है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो है बट उतना नहीं है जितना ईथर में है, तो यह थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है. गॉट इट? तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपको बोर्ड पूछेगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, तो आपको सिंपल बोलना है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है. जैसे हम बोलते थे क्लास 11th के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में आता था ना, अमोनिया अमोनिया पिरामिडल है बट मीथेन टेट्राहेड्रल है, जबकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हम क्या बोलते थे? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लॉन पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वही चीज़ है यहाँ, है ना. तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं किसके? एल्कोहल और फिनॉल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप्स के. देखिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन वाटर. वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होता है, आपका ईथर एल्कोहल या फिनॉल? सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है फिनॉल और सबसे कम सॉल्युबल होता है ईथर. क्वेश्चन आता है क्यों, तो क्यों के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बट ट्रिक समझ लो. अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रोपोर्शनल 1/ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर किसी ग्रुप के साथ EDC ग्रुप अटैच हो जाएगा तो EDC ग्रुप क्या करता है, उस एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी. सुन लो फिर वर्ड, स्पेलिंग लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर करने की पावर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशंस. सही है? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वर्ड बोलते हैं किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. अगर कोई EDC ग्रुप अटैच होगा तो उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेगा, वीक बनेगा, क्योंकि पढ़ के आ रहे हो आप क्लास 11th में. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. अगर EWG ग्रुप अटैच है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा. क्लियर? कैसे होता है करके देखिए. जैसे हमने बात करी ईथर की, ये लिया मैंने ईथर CH3O और CH3, अब इसको आपने वाटर में डाला ईथर को, है ना. अब इसको और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है ईथर और वाटर के मॉलिक्यूल को, लेकिन इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग EDG, और ऑक्सीजन का कैसा नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रॉन हंग्री एटम, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने वाला एटम है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन उसको सेटिस्फाई कौन करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं CH3, मतलब ऑक्सीजन हंग्री है, भूखा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, बट उसके हंगर को सेटिस्फाई कौन कर देते हैं, ये तो CH3 ग्रुप, क्योंकि उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला. CH3 आते हैं और ऑक्सीजन को बोलते हैं, यार दोस्त तू क्यों दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है बॉन्ड के, हम तुझे सेटिस्फाई करते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन, एंड ड्यू टू दिस रीजन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग नेचर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इजीली. इसीलिए ईथर में ऑक्सीजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है. क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज इन ईथर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, दीज 2 अल्काइल ग्रुप प्ले अ रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ऑक्सीजन. ये ध्यान रखना है. इससे ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, एल्कोहल. एल्कोहल क्या सॉल्युबल है, बिकॉज उसके पास ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 हैं. लेकिन इन केस ऑफ फिनॉल, देखो माय डियर कितना काम आता है हमारे एल्को, ये वो
हेलो एल्केन चैप्टर 11 की ऑर्गेन देखें। बेंजीन रिंग ये क्या है? बेंजीन रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पुल करती है, ये कर दिए पुल, और यहाँ चार्ज आता है आपका प्लस डेल्टा, ये बॉन्ड हट गया यहाँ से, ये रेजोनेंस, क्लियर है। तो इन फिनॉल बेंजीन रिंग इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग। बेंजीन रिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग है, किसमें? फिनॉल के केस में। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर फ्लोरीन होता तो फिर क्या होती बेंजीन रिंग इसके सामने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग। याद करो, बताया मैंने EDZ और EWZ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। OH क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग पर क्या आएगा? ऑर्थो पे माइनस चार्ज, और ओपन क्या आएगा? प्लस डेल्टा। अब जैसे ही ओपन प्लस डेल्टा चार्ज आएगा, योर ऑक्सीजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या हम बोलें ऑक्सीजन बिकम मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन हंग्री, क्लियर। तो ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन एक्वायर प्लस डेल्टा चार्ज, या आप ये बोल सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस ऑन द ऑक्सीजन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ड्यू टू विच ऑक्सीजन बिहेव्स लाइक अ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, और इट इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो आप लगा दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी लिख दोगे, फुल मार्क्स। एंड ड्यू टू दिस रीजन द ऑक्सीजन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सही है, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा। कई लोग ये जब पढ़ाते हैं, आप ये चीज़ें पढ़ते हैं स्टूडेंट्स भी, तो बचते हैं इन सारी चीज़ों से कि कौन इतनी लंबी कहानी पढ़ेगा। कहानी नहीं पढ़ोगे तो एक्सीलेंस कैसे आएगी? बड़ा बोलने में सिंपल एक रीजन है, फिनॉल वाटर में क्यों सॉल्युबल है? बिकॉज फिनॉल फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ईथर वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है? बिकॉज ईथर डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। बट रीजन क्या है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फिनॉल, क्यों ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनाएगा या नहीं बनाएगा ईथर, तो सारे रीजन्स यहाँ हैं, सही है। तो नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।